गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी ना रुकी, जहां बहुत फलस्तीनियों की तादाद 31 हो चुकी है। 13 बच्चे और मजाहमती तंजीम के कई रहनुमा भी शहदा में शामिल हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कभी भी इसराइल को एक मुल्क तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि इस सिलसिले में हम अल्लाह के आगे जवाबदेह होंगे। मुश्किल की इस घड़ी में हम फलस्तीनी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं, और हर बार हमने फलस्तीनी भाइयों की हिमायत में अक़्वामे मुत्तहदा में अपना आवाज़ बुलंद किया है और आगे भी करते रहेंगे। हम फलस्तीन और इसराइल के बाहमी ताल्लुकात को बेहतर देखना चाहते हैं और अक़्वामे मुत्तहदा से ये मुतालबा करते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि इस खत्ते में अमन बहाल हो सके। मिल्लत इस्लामी ईरान ने हमेशा फलस्तीन का दिफा किया है और दिफा करता रहेगा। बैतुल मुक़द्दस हम मुसलमानों की रूह है और हम अपने रूह की दिफा करना बखूबी जानते हैं, और इसराइल को वार्निंग देते हैं कि वो अपने मजालम से बाज आ जाए, वरना हम उन्हें निस्त नाबूद कर देंगे। तुर्की अलकुद्स की हिफाजत को अपने ईमान का हिस्सा समझती है, और गम की इस घड़ी में हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। अगर इसराइल ने अपनी जारियत मना की तो हमारी फौज उन्हें भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। हम बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन पे होने वाले जुल्म की सख्त लफ्जों में मजम्मत करते हैं। हम फलस्तीन में होने वाले मजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम फलस्तीन पे होने वाले हमले की मजम्मत करते हैं। हम फलस्तीन में होने वाले कत्लेआम की सख्त लफ्जों में मजम्मत करते हैं।